जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में, जो कि एक हॉरर वीडियो है जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी थी इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो इस सब्सक्राइबर का नाम है नितिन। तो उसने मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी पूरी स्टोरी भेजी थी, बट भाई ये ना मैंने ये सुनने के बाद मुझे मतलब कि थोड़ा सा मैंने मतलब कि बिलीव नहीं हुआ कि लोग इतने हद तक गिर सकते हैं कि मतलब कि कोई इतने हद तक जा सकता है कि जान ले सकते हैं अपने तुम्हारे खुद के। क्यों? क्योंकि तुम लाइफ में सक्सेस हो गए, तुमने थोड़ी तरक्की कर ली इस वजह से। तो भाई ये स्टोरी सुन के मुझे इसे पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, फिर मैंने उसके साथ कॉल पर डायरेक्टली बात की और फिर उसने मुझे बताया ना, भाई मुझे यकीन ही नहीं हुआ ये। तो मैं तुम्हें भी सुनाता हूँ, ये तुम्हें भी यकीन नहीं हुआ। तो ये जो नितिन था, इसके पापा जो थे वो DSP थे, ठीक है, पुलिस में DSP थे। और उनकी मतलब कि उनके भाई बहन जो भी थे उनके पापा के, तो ये सबसे वेल एस्टेब्लिश थे, ये सबसे घर में बड़े थे और ये DSP थे, ठीक है। तो बाकी जो उसके चार चाचा थे और दो बुआ थी, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग मतलब कि नितिन ने बोला कि ये लोग मतलब कि बचपन से हम जब से देखते आ रहे हैं मतलब कि बहुत क्लोजली मिलती हैं हम लोगों से, बहुत फ्रेंडली, मतलब बहुत कुछ से बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब कि डिवाइन सोल्स इस तरह के लोग थे वो। हालांकि मतलब कि जो नितिन था वो उस घर में सबसे छोटा था, नितिन के ऊपर उसके दो भाई थे और उसकी दो बहन थी, ठीक है। तो उसकी जो भाई बहन थे वो बोलते थे कि ये लोग सिर्फ पापा के पैसे के पीछे पड़े हैं, इनको कोई मतलब नहीं कि मतलब कि कोई मतलब नहीं कि इनको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, देखना ही कुछ ना कुछ तो करेंगे। ये नितिन बचपन से सुनता ही आ रहा था, ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ तो करेंगे, बट ऐसा कुछ इन्हें कुछ किया नहीं था। तो एक दिन क्या है कि नितिन के जो दो बड़े भाई थे वो दोनों मतलब कि ब्राइट स्टूडेंट थे। तो उसका एक बड़ा भाई जो है वो डॉक्टर बना, दूसरा बड़ा भाई जो है उसने IPS ऑफिसर बना, उसने UPSC क्रैक किया और IPS ऑफिसर बना। और उसकी जो दो बहन थी उनमें से एक बहन जो थी वो एक मतलब कि बहुत रेप्यूटेड कॉलेज वहाँ का, वहाँ पे जो है असिस्टेंट मतलब HOD बनी, ठीक है। और उसकी जो दूसरी बहन वो पायलट बनी, ठीक है, एयर एशिया में पायलट बनी। तो ये जो उनकी जो फैमिली है वो बहुत मतलब कि अमीर ही बन गए थे, भाई इतने जॉब होंगे तो अमीर ही होगा ना इंसान। बट इनके जो फैमिली है ये उसके नितिन और उसके बड़े इन सब में बहुत अच्छा प्यार था, बहुत एक जिन्हों तो नितिन सबसे छोटा था, तो टेक्निकली नितिन को इनकम करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ऐसा नितिन का बोलना है, क्योंकि यार इतने जब घर में कमा रहे हैं तो साथ पुस्तक खा सकते हैं। बट नितिन मतलब कि ऐसा सोचता था, बट वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, ब्राइट स्टूडेंट था। तो फिर नितिन जो है वो मतलब कि उसने ज़्यादा कुछ नहीं, वो एक कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, ठीक है। तो इनकी फैमिली पूरी मतलब फैमिली की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही थी, ठीक है। सिर्फ उनकी मम्मी ही हाउस वाइफ थी, तो उनके पापा रिटायर्ड हो चुके थे और ये लोग सब मतलब बहुत अच्छे ये बन रहे थे, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ मतलब कि इसके बुआ चाचा वो सब साथ में ही रह रहे थे, बट कुछ दिन से क्या हुआ कि एक दिन आए वो सब उनमें बहुत मतलब उन्होंने कि हमारा हमें हिस्सा दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो उनके पापा ने क्या किया कि ठीक है, उनकी जो सारी मतलब कि जायदाद थी उसे डिवाइड कर दिया और उन्हें दे दिया, तो वो लोग चले गए। बट भाई एक होती जलन जो कि उसकी एक बुआ मतलब कि हर बुआ में नहीं थी, मतलब कि जिनको उनका हिस्सा मिल गया वो लोग खुश हो गए, उसके जो चाचा और एक बुआ थी वो खुश हो गई, लेकिन और एक जो बुआ थी वो इनसे थोड़ा जलती थी, ठीक है। तो उसका मतलब कि वो इससे सह नहीं होता था कि ये लोग इतने सक्सेसफुल कैसे हो रहे हैं। तो उसने क्या किया कि एक दिन वो ऐसे घूमने आई इनके घर और आके और सबको सबके लिए वो गिफ्ट्स लाई थी, सबको दिया और खाना वाना खा के वो चले गई। उसी दिन से नितिन का बोलना है कि एग्जैक्ट उसी दिन से उनके घर में मतलब कि जैसे हम बोलते हैं ना कि मतलब कि कयामत आ गई, वो आ गई। उनके पापा छत के ऊपर से नीचे गिरे, धड़ाम करके नीचे गिरे, उनका एक पैर टूट गया, वो मेडिकल में थे, उनका ऑपरेशन हुआ, वो घर आए। उसकी मम्मी जो थी वो मम्मी एक किचन में मतलब कि जो है कुकिंग कर रही थी, और नितिन का बोलना कि भगवान का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ, बट उसकी मम्मी कुछ मतलब कि बाहर आई थी और अंदर जा ही रही थी कि सिलेंडर फट गया, टोटली ब्लास्ट सिलेंडर। उसकी मम्मी को मतलब कि उनकी जान बच गई, बट उनको मतलब कि जल गई थी बॉडी उनकी। उसकी जो दीदी थी उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके जो भाई थे IPS ऑफिसर
उनको भी मतलब कि उनका भी एक एक्सीडेंट हुआ, उनका बहुत मतलब कंटिन्यू ऐसे चीज़ें चल रही थी। तो नितिन जो था ना सबसे छोटा था वो पढ़ाई मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उससे उसकी जॉब चली गई बट फॉर नो रीज़न। उनके एक दिन उनके बॉस ने फ़ोन करके बोला कि तुम कुछ घोटाले कर रहे हो। नितिन ऐसा कुछ नहीं करता था, घोटाले कर रहे हो तो तुम्हें मैं जॉब से फायर कर देता हूँ। तो नितिन को जॉब चली गई। उसकी जो मतलब दीदी थी जो डॉक्टर थी तो उनकी भी जॉब चली गई, ठीक है। उनके एक ऑपरेशन कर रहे थे, उनके एक पेशेंट मर गया था तो उनकी भी जॉब चली गई, ठीक है। तो उनके जो भाई थे जो मतलब कि डॉक्टर बने थे, सॉरी उनकी बहन ने, उनकी भाई जो डॉक्टर बने थे उनकी जॉब चली गई। और उनकी जो बहन थी टीचर थी तो उन पर एक स्टूडेंट ने एसिड अटैक किया था तो वो बच गई थी, उनकी कमर के आसपास चल गई थी। तो ये सब इंसिडेंट चल मतलब कि उनके घर में चल ही रही थी। तो एक दिन क्या हुआ कि नितिन की मम्मी को जो पूरा ठीक हो गई तो उनके पापा क्या है, उनके पापा का पैर रिकवर हो गया था पर अचानक फिर वो एक बार और छत से गिरे। तो इस बार मतलब कि हालत उनकी अच्छी थी तो वो जो मिट्टी के ढेर था उस पर ऊपर गिरे तो उनको कुछ ज़्यादा हुआ नहीं बट चोट आई थी। तो उनकी मम्मी को थोड़ा सा शक होने लगा कि ऐसा अचानक से ऐसा मतलब कि ये सब क्यों हो रहा है, और एक मतलब कि सीरियली हो रहा है कि ये होगा ये हो रहा है ये हो रहा है, एक मतलब कि कंटिन्यू प्रोसेस में है। तो उन्होंने क्या किया कि उनको मतलब कि उनकी जो बुआ थी उन पर थोड़ा सा डाउट था कि वो ये जो काला जादू तंत्र वंत्र विद्या है करती रहती है, तो उनको थोड़ा डाउट हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि अपने घर में उन्होंने याद किया कि उनकी बुआ कहाँ कहाँ गई थी। तो उन्हें लगा कि वो एक बार वो किचन में गई थी, वो यहाँ पर गई थी, छत पर गई थी, अपने पीछे जो उनके अपना आंगन है वहाँ पर गई थी, उनके घर के पीछे एक जगह है वहाँ पर गई थी। तो उन्हें सब जगह ढूंढना शुरू किया और उन्हें फिर मतलब कि उनके छत के ऊपर जो गमले होते हैं एक पेड़ है उसकी मतलब कि पेड़ में जो वो रोज़ पानी दे रही थी तो उन्हें वो दिख रहा था कि वो पेड़ जो है वो कंटिन्यूसली मुरझा ही रहा है। मतलब कि ऐसा नहीं कि पानी वो रोज़ देती थी उनके मतलब कि एक्सीडेंट होने के बाद भी, बट वो मुरझा ही रहा। तो उन्होंने क्या किया कि उस पेड़ को क्या कि मैं इसे शिफ्ट कर दूँगी इस गमले से। तो उन्होंने जैसे इस पेड़ को मतलब नीचे से उखाड़ा तो उन्हें एक मतलब कि जो लाल कपड़े में बंधी कुछ चीज़ें मिली, उसमें कुछ नाखून बाल कुछ नींबू मिर्ची थोड़ी सी मतलब ये किसी की जो मांस का टुकड़ा ये सब मिला। तो उन्हें अजीब लगा कि ये सब कहाँ से है। तो उन्होंने क्या किया कि पंडित जी को बुलाया अपने घर, बहुत मतलब कि सिद्ध बाबा थे उनके वहाँ के। तो वो जैसे ही इस घर में आए उन्होंने घर को देखते ही बता दिया कि उन्होंने ये पंडित जी को ये नहीं बताया था कि उनके घर में किस किस के साथ क्या हुआ है। तो जैसे ही वो घुसे तो उन्होंने बता दिया कि इस आदमी के साथ ये हुआ है, इस आदमी के साथ है, इस औरत के साथ है। तो उन्होंने डिटेल उनको पूरा डिटेल बता दी उनकी फैमिली का जो जो उनके साथ हो रहा था। तो उन्हें से पूछा कि ये सब कब से हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि इस दिन से हो रहा है। तो उनके पापा अब भी मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी उसकी बुआ ने किया है, पर वो जो पंडित जी थे उन्होंने नाम तो नहीं लिया बट उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा कोई अपना खून का है जो ये सब कर रहा है, वो तुम्हारी तरक्की को सह नहीं पाया और उसने तुम्हारे घर के ऊपर एक जिन छोड़ दिया जो कि उसकी बात मानेगा। तुम्हारे घर की जो सारी सक्सेस है वो तुम्हारे बुआ के घर जाएगी, मतलब नाम तो नहीं लिया उसने, लड़के उसके घर जाएगी। और उनके पापा को ये तब ये थोड़ी बातें रियलाइज़ होने लगी क्योंकि उसकी बुआ का जो बेटा था वो पढ़ाई में कुछ अच्छा नहीं था तो वो डॉक्टर बना। उनकी बुआ की जो बेटी थी वो भी मतलब कि उसने वो 3 बार मैट्रिक फेल हुई थी, वो एक टीचर बन गई बहुत एक अच्छी कॉलेज में। उसके बुआ के जो पति थे वो एक मतलब कि सबसे मतलब कि बेकार लॉयर थे उनके वहाँ के, बट वो उनकी सक्सेस हो गई, उनके मतलब कि पैसे आने लगे, उनके घर बना लिया। तो इनके पापा को ये सब थोड़ा सा मतलब कि अब बिलीव होने लगा। तो उन्होंने पंडित जी को बोला कि आप इसका निराकरण कर दीजिए प्लीज़। तो उन्होंने कहा कि इसके सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो मैं अगर तुम्हारे जो ऊपर जो श्राप है वो खींच लूँ तो वो तो सारी वेल्थ उसके पास गई है, वो लौट के तुम्हारे पास आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा तुम्हारा, बट उनकी जो फैमिली है वो फैमिली के ऊपर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, प्रॉब्लम्स का वो पहले स्टेज में आ जाएगी। और एक है कि अगर ये जो तुम्हारा ऊपर जो जिन छोड़ा गया है उसे मैं डाइवर्ट करके उनके ऊपर वापस छोड़ दूँ तो जो तो तुम्हारा साथ है वो भी उनके साथ होने शुरू हो जाएगा। तो उनके पापा ने कहा कि देखिए उसने जो किया वो किया, बट आप इतना कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ हमारे घर से जिनको भगा दीजिए ठीक है, और हमारी अपनी पुरानी वेल्थ जो है वो हमें दे दीजिए जो जो हम जहाँ पे जैसे जॉब कर रहे थे। तो एक दिन उनके घर में मतलब कि बहुत बड़ा यज्ञ है वो हुआ,
उन्होंने मतलब कि वो पंडित जी बोला था कि तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे, गांव में भी किसी नहीं था, उनका यज्ञ हुआ और पंडित जी ने मतलब कि 8-9 घंटे का वो यज्ञ था, पूजा थी, तो वो सब किया। और अचानक से मतलब जैसे ही यज्ञ ख़त्म हुआ उसके अगले दिन जो उनका जो जो मित्र है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसको अपनी जॉब मिल गई। उसके अब जो हुआ उसकी जो दीदी थी उसको जो नौकरी से निकल गया टीचर थी उनको अपनी टीचरशिप मिल गई। उसके भाई जो है तो वो डॉक्टर की नौकरी वो वापस मिल गई सब कुछ मिल गया। बट उन्होंने जब देखा उन्होंने किया तो पता चला कि उनकी बुआ क्या जो है वो सारी नौकरी वो सब चीज़ें वो उनके साथ वो चली गई, उनके पास कुछ नहीं। तो सब लोग कन्फर्म हो गए कि ये उनकी बुआ ने ही किया था। तो ये है नितिन की स्टोरी। तो मुझे आज भी अजीब लगता है कि सबको अजीब लगा कि कोई अपना इतना मतलब नीचे गिर सकता है कि आप तुम्हारे खुद के अपने भाई के बच्चों के ऊपर जिम वगैरह छोड़ा खाला जादू वगैरह किया। तो ये थी आज की स्टोरी है। आई होप आपको पसंद आई होगी। बताना कैसी लगी आपको, और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही धमाकेदार वीडियोज़ आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।